गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पर्यावरण में दोहरान कार्य किया था, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आज हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे, खाली स्थान भरिए। आपको खाली स्थान आएंगे भरने के लिए, तो आपको इनके आंसर लिखने हैं, जिस अंडरलाइन हो रहे हैं वो आपको शब्द याद करने हैं, और किसमें कैसे भरने हैं वो भी आपको याद करना है। का मंचन 10 दिन तक होता है, किसका मंचन 10 दिन तक होता है? रामलीला का, तो आपको इसमें लिखना है रामलीला। दूसरा है गुरु पर्व का त्यौहार है, गुरु पर्व किसका त्यौहार है? सिखों का, तो इसमें हमें लिखना है सिखों। तीसरा है मुसलमान के महीने में रोजे भी रखते हैं, कौन से महीने में मुसलमान लोग रोजे रखते हैं? रमजान के महीने में, तो आप इसमें लिखिए रमजान। अगला है ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ होता है? पृथ्वी के भीतर। अगला है संसार के सभी प्राणी पर रहते हैं, संसार के सभी प्राणी कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी पर, तो इसमें लिखिए आप पृथ्वी। अगला है छठा, जल प्रदूषण से फैलती हैं, जल प्रदूषण से क्या फैलती हैं? बीमारियाँ, इसमें बीमारियाँ लिखिए। हमें सदैव बोलना चाहिए, हमें सदैव क्या बोलना चाहिए? सत्य, तो इसमें लिखिए सत्य। अगला है विद्यालय में हमें अच्छी बात आदतें सिखाते हैं, हमें विद्यालय में कौन अच्छी आदतें सिखाते हैं? अध्यापक, इसमें आप लिखिए अध्यापक। अगला है हम सभी को होना चाहिए, हम सभी को कैसा होना चाहिए? शिष्ट, इसमें आप लिखिए शिष्ट। शिष्ट बच्चे अपने से बहस नहीं करते, किससे बहस नहीं करते? बड़ों से, इसमें आप बड़ों से लिखिए। ये आपके खाली स्थान पूरे हो चुके हैं, आप इन खाली स्थानों को अपनी कॉपी में कीजिए और इन्हें याद भी कीजिए।